Chant Palace presents Varley's Kitchen with Ajay Chopra. जब जब दिया बासमती राइस पकेगा तब तब एक बचपन निखरेगा। मैं बात कर रहा हूँ बचपन की, जिसको हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिल रही, जिसको स्कूलिंग नहीं मिल रही, जिसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा। इसलिए दिया फाउंडेशन जो कि वर्ली ने चालू की है, मैंने वर्ली के साथ हाथ मिलाया है कि हम बच्चों को एक अच्छा जीवन दे सकें, एक अच्छा फ्यूचर दे सकें, एक स्माइल दे सकें और उनके ख्वाबों को उड़ान दे सकें। सो जॉइन विद मी एंड वर्ली टू क्रिएट अ मैजिक फॉर दिया फाउंडेशन। वी आर कुकिंग फॉर द चिल्ड्रन। अब हम बनाएंगे एक पुलाव, चिकन पुलाव। वेल, पुलाव बहुत तरीके के बनते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब अपने अपने टाइप के पुलाव बनाते हैं, पर ये पुलाव की रेसिपी मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ और ये अवधी मुर्ग पुलाव, वाओ, इट राइम्स, इट टेस्ट ब्यूटिफुल। मुर्ग पुलाव बनाने के लिए मेरे पास एक बढ़िया मिक्सचर है। ये मिक्सचर और कुछ नहीं पर पानी है, मसाले हैं, सैफरन है और तेज पत्ता है। एज सिंपल एज दैट। आई हैव अ ब्यूटिफुल पॉट लिकर। मुर्ग पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मैं डालूंगा घी एक पैन में। वेल, ये मसाले जो हैं हमने यूज किए हैं पुलाव बनाने में, इनका एक्चुअल एक्सट्रैक्ट निकल चुका है लेकिन इतना बाकी है कि मेरा मुर्ग पुलाव पूरा हो जाएगा। सो आई एम गोइंग ट्रांसफर द होल स्पाइसेस इनटू दिस घी। जैसे ही मसाले क्रैकल करेंगे हम डालेंगे पतले कटे हुए प्याज। एक बार प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए उसके बाद इस पुलाव में जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेकिन पानी में घोल के। सिंपल रीजन, अनियंस आर ऑन अ वेरी हाई हीट राइट नाउ। आई डोंट वांट द जिंजर गार्लिक टू बर्न। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर। एक बार मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं, फिर मैं डालूंगा दही, लेकिन आउट ऑफ द हीट, नहीं तो दही फट जाएगा। The trick is that जब भी आप दही डालें इसको अच्छी तरह से स्टर करें और हिलाते रहें ताकि दही फटे ना। मसाले भुन गए, दही भुन गया, अब हम डालेंगे चिकन। I prefer to cook with chicken thigh when I'm doing Indian curries purely because thighs stay juicy. Breast generally बहुत dry हो जाती है। अब इस स्टेज पे मुझे चिकन को पूरी तरह से नहीं पकाना है क्योंकि I'm going to cook the chicken with the rice with the pot liquor together so that all the flavors come together and they cook together. So at this stage, this beautiful pot liquor which is made with water, garam masala and some saffron. Right in. Now this chicken and the pot liquor need to come together और उससे पहले मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा पुलाव मसाला या बिरयानी मसाला और साथ ही मैं डालूंगा थोड़े से फ्राइड अनियंस और थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च। I want to add the salt at this stage because obviously the chicken and the rice both have to get the salt. अब इस मिक्सचर को एक रोरिंग बॉयल देंगे और फिर ऐड करेंगे दिया बासमती राइस। मैंने दिया बासमती राइस को कम से कम 2 घंटे सोक किया है। सोक करने के बाद जब मैं इसे पुलाव बनाऊंगा तो इसके जो कण हैं वो बिल्कुल लंबे लंबे हो जाएंगे। This is now boiling. So I'm going to do the knife test to see how much water is apt. Just give it a nice gentle stir and let the chicken and the rice settle down. Uske baad knife ko hum andar dalenge and as soon as I feel that the knife is touching something solid, that's where I'm going to stop. करीबन 1.5 इंच चावल से ऊपर, इसका मतलब 1.5 कप पानी, 1 कप चावल, सिंपल। अब इसे हल्की आंच पे 10 से 12 मिनट तक पकाएं। मुर्ग पुलाव बढ़िया तरीके से पक गया है, नाइस, अमेजिंग।
विदाउट एनी फर्दर अडू आई प्रेजेंट टू यू द चोपड़ाज मुर्ग पुलाव. जस्ट गार्निश दिस विद अ लिटिल बिट ऑफ चॉप कोरिएंडर एंड सम जिंजर जूलियंस. This is not just a spoonful of rice. This is a spoonful of flavor and goodness with Diya Basmati rice. Amazing. दो लीटर पानी में 5-6 ग्रीन कार्डमम, 1 सिनेमन, 1-2 बे लीफ और 1 पिंच सैफरन को अच्छी तरह से उबाल लें. अब एक अलग पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम करें, उसमें सारे के सारे स्पाइसेस मिक्स करें. उसके बाद 2 स्लाइस अनियन, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि पानी में घोल के मिलाइए, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर और 1 कप दही फ्लेम से उतारने के बाद 1 कप बोनलेस चिकन थाइस डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं. अब इसमें वो पॉट लेकर डालें और इसे अच्छी तरह से एक उबाल दें. उसमें 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून फ्राइड अनियंस, 2-3 स्लिप ग्रीन चिलीज, 1 टीस्पून सॉल्ट और एक अच्छा बॉयल वापस से दें. अब इसमें 2 कप सोक किए हुए बासमती राइस को मिलाएं और एक जेंटल स्टर करें. अब इसे हल्की आंच पे 10-12 मिनट तक पकाएं. चावल और लिक्विड की क्वांटिटी 1.5 गुना होनी चाहिए, यानी कि 1 कप चावल, 1.5 गुना पानी. फाइनली पुलाव तैयार है. पुलाव इज सो सटल बिकॉज सारे मसालों का जो फ्लेवर है वो राइस और चिकन में इक्वल है. इट्स जस्ट लाइक यू हैविंग द होल मील टुगेदर. यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स. आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स. आई एम गोइंग. बाय. सी यू. टाटा.